नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों वीआईपी नंबर का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पर इस नंबर और इसकी कीमत की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इस वीआईपी नंबर को एक स्कूटी के लिए खरीदा गया है और खरीदार ने इस नंबर की बोली 1,12,15,000 की लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहिया वाहनों के वीआईपी नंबर के लिए कोटखाई के वाहन पंजीकरण कार्यालय की तरफ से गुरुवार को ऑनलाइन बिड मंगाई गई थी। 26 प्रतिभागियों ने इस वीआईपी नंबर के लिए बोली लगाई और हाईएस्ट बोली इस मामले में 1,12,00,000 की लगाई गई। वीआईपी नंबर के लिए करोड़ों की बोली लगाने वाले व्यक्ति का नाम देशराज है। हालांकि वो कहां रहता है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ये ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है। साथ ही हिमाचल विभाग के निदेशक को आदेश दिए गए हैं कि यदि बोलीदाता नंबर लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सरकारी सिस्टम के दुरुपयोग में केस दर्ज किया जाए। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पहले मामले में एसडीएम को जांच सौंपी जाए, उसके बाद ही ये मामला पुलिस के पास भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि सोमवार को बोली लगाने वाले व्यक्ति को पैसे जमा करने थे लेकिन उसने पैसे जमा नहीं किए। तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।